जय। परियो, जैसे बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना पड़ता है, उसी तरह तिमनासा को हराने के लिए हमें सर्वकाल को नष्ट करना होगा। सर्वकाल? इसका मतलब बालवीर सर्वकाल को ढूंढने की योजना से यहां आया है। मुझे बालवीर को असली सर्वकाल तक पहुंचने से रोकना होगा। मैंने जो योजना तुम लोगों को समझाई है उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। काल लोक में दोनों परियां और बालवीर आ चुके हैं। अच्छा, अरे भैया, इन बेवकूफों को भी सर्वकाल के शक्ति पुंज से दूर रखना होगा। हमें बालवीर से लड़ने भेजकर खुद कहा जा रही है। रुक क्यों गए तौबा तौबा, नई शक्तियां इस्तेमाल करने में वो लग रहा है क्या डर? अरे डरेंगे मेरे दुश्मन। कहाँ है सर्वकाल देवता? वो दरवाजा है जिसके अंदर तिमनासा ने सर्वकाल को कैद करके रखा है, जिसकी चाबी ये। हम बताते हैं, तुम इस वक्त तिमनासा के बनाए हुए जादुई भूल भुलैया में हो। तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। बोलो अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बनाए हुए दलदल में तुम लोग खुद ही फंस जाओ। ओ छोटे बालवीर, तुम्हारे लिए एक और झटका है हमारे पास, देखना चाहोगे? इन दोनों अंगूरों के हाथ में आग उगलने वाला अंगूर कैसे आ गया? इनकी शक्ति का भी स्रोत सर्वकाल ही है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इनसे लड़ने का। हमें यहां से निकलना होगा। चलो। सर्वकाल, बालवीर मुझे नहीं बल्कि इस बार तुम्हें मारने आया है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि तुम दोनों बालवीरों का एक साथ खात्मा कर सको, है ना? बिल्कुल। परियो, विवान, चलो। बालवीर, इतना आसान नहीं है यहां से निकलना। तुम एक बार अंधेरे में तीर चलाओ तो शायद लग भी जाए, पर यहां इस भूल भुलैया में तुम
तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब पता चला भैरानी और भैराजा को कितना मजा आता है। हाँ तबा तबा, नन्ही उंगली की कसम, अद्भुत अद्भुत है ये शक्तियाँ। यहाँ से निकलने का भी एक ही रास्ता है, इन लोगों को अपने बनाए दलदल में फंसाना। मतलब विवान? मतलब माया छाल के अंदर माया छाल। मैं उस बालवीर को संभालता हूँ। मैं इन फड़फड़ाती परियों को घेरता हूँ। और मैं उस छोटे बालवीर को संभालता हूँ। अरे गया। ये समय हंसने का नहीं है सर्वकाल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बचा रहे तो अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतने वर्षों से तुमने मुझे बंदी बना कर रखा, मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियां लेती रही, और आज तुम्हें मेरा अस्तित्व बचाने की चिंता हो रही है। मैं तो वापस उसी जगह आ गया। इसे भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। तुम चाहे जितना भी भागने की कोशिश कर लो, यहाँ से निकल नहीं सकते, समझे विवान? या फिर मैं कहूँ ना सीखे बालवीर? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो प्लीज। ए चल, आप करना आता नहीं तोबा तोबा को। अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर फहरानी को पेट कर दूंगा। अब देख मेरा कमाल। क्या हुआ? मैं तो इधर हूँ। अब बताओ कौन है नौ सिखिया? बंदर के हाथ में तलवार भी आ जाए ना, फिर भी वो शूरवीर नहीं बनता, वो बंदर ही रहता है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम खुद मुझे बताओगे? मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया। शाबाश शिवा। इस भूल में मत रहना सर्वकाल कि मैं तुम्हारी शक्तियों के बिना उन दोनों बालवीरों को हरा नहीं सकती। तुम्हारे इसी घमंड के कारण तुम्हें परीलोक से निकाला गया था, और सिर्फ एक दिन के बाद तुमसे बालवीर की शक्तियां छीन ली गई थी, याद है ना तिमनासा? परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उस जख्म को कैसे भूल सकती हूँ मैं सर्वकाल, जब मैं एक दिन की बालवीर बनी थी। उस दिन को जब बाल परी ने मुझे जलील करके धक्के मार के परीलोक से बाहर निकाला था। अगर तुम्हें याद है तो तुम क्यों अपने क्रोध को काबू में नहीं रखती? क्योंकि यही क्रोध है जो मुझे ताकत देता है, और यही क्रोध है जिससे मैं काल लोक के ऊपर आज राज कर रही हूँ। अगर तुम हैरानी हो तो मुझसे शक्तियां मांगने क्यों आई हो? क्योंकि मैं उब चुकी हूँ अभी सच्चाई से, बस हो गया ये छोटी मोटी लड़ाइयां। अब मुझे इस पूरी दुनिया से अच्छाई को ही खत्म कर देना है सरकार। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा,
लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दो कि कौन है वो। आ गया, अब थी एंड होगा सर्वकाल का और तिमनासा का खेल भी खत्म। सर्वकाल तो बहुत ही शक्तिशाली है भैया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सर्वकाल को खत्म कर दोगे? अरे तुम दो क्या, तुम जैसे 200 बालवीर भी आ जाए ना, उन्हें भी खत्म कर सकता है सर्वकाल, इतना शक्तिशाली है वो। सर्वकाल का तो पता नहीं बालवीर, लेकिन आज मैं जरूर तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। विवान को यहाँ अकेला छोड़कर ये बालवीर शौर्य के पास क्यों जा रहा है? बालवीर, ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें तुरंत सर्वकाल को नष्ट करना होगा। बालवीर, तुम विवान को तिमनासा के साथ अकेले लड़ता वक्त क्यों छोड़ा है? परियो, विवान के पास अब सारी शक्तियां हैं, वो तिमनासा का सामना कर सकता है। अब हमें सर्वकाल को नष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम सबकी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है। शौर्य, आप ही कोई रास्ता बताइए, हम कैसे सर्वकाल को नष्ट कर सकते हैं? मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। लेकिन ऐसा करने पर तो बालवीर पर खतरा हो सकता है। सिर्फ खतरा नहीं, इसमें बालवीर की जान भी जा सकती है। और ऐसा करने के लिए बालवीर के पास सिर्फ 30 पल हैं, क्योंकि उसके बाद ये प्राण ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाएगी। तो बताओ बालवीर, क्या तुम तैयार हो? जल्दी जवाब दो बालवीर, अब सिर्फ 30 पल और बचे हैं तुम्हारे पास। शौर्य की प्राण ऊर्जा कहीं सचमुच में सर्वकाल को खत्म ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
विवान और परियों फौरन मेरे साथ वीरलोक चलिए। सर्वकाल को मारने आए हो ना बालवीर, तो ठीक है मारो। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बालवीर? इन तीनों में से मैंने किसी एक के अंदर सर्वकाल को छिपाया हुआ है, लेकिन अगर अच्छाई के लिए किसी एक निर्दोष की जान चली भी गई तो क्या हुआ, है ना बालवीर? ये प्राण युद्ध सिर्फ 30 पलों के लिए ही जागृत रहेगी। खा गए ना धोखा बालवीर, इन तीनों में से कोई भी असली करुणा नहीं है। भी आखिर मन के कच्चे ही निकले बालवीर। सर्वकाल को मारने का इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। अफसोस की इस हार का कड़वापन बहुत दिनों तक तुम्हारे मुंह में रहेगा। तुम आखिर सर्वकाल को खत्म करने में विफल कैसे हुए बालवीर? सर्वकाल को मारने के लिए मैं करुणा जी को खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन उन तीनों में से एक भी करुणा असली नहीं थी बालवीर। जब तक मैं ये समझ पाता 30 पल बीत चुके थे। तुम समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे? अब कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हें पता चला कि सर्वकाल की जान लेने में खुद तुम्हारी जान जा सकती है तो तुम सोच में पड़ गए थे। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि विवान मेरी जगह लेने को तैयार है। तुम्हें याद है विवान को पूरी शक्तियां देने के बाद तुमने उसे क्या कहा था? यही कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए विवान के मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन खुद तुम्हारे मन में शंका आई। शौर्य, आप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सख्ती तुम्हारे साथ भी की गई थी विवान, याद है ना? जब तुमने हद लांघी थी तो तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली गई थी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी अगर बालवीर के मन में शंका आ गई तो इसकी सजा भी कड़ी ही होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बालवीर की सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए हमेशा के लिए। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो बात बालवीर तुम्हें सिखा रहा था वक्त आने पर उसने खुद अपनी सीख का पालन नहीं किया, इसलिए अब यही सजा दी जाएगी उसे। लेकिन बालवीर किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था शौर्य। वहां कोई निर्दोष था ही नहीं वायुपरी, और बालवीर तिमनासा के छल को
पहचान नहीं सका। लेकिन शौर्य, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बालवीर कोई आम इंसान नहीं है, इसके कंधों पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। इन कंधों को मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं, की सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे ये भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था।